साल 1920 के आसपास जब महात्मा गांधी का प्रभाव भारत के कोने कोने में फैल रहा था, चीन के कई लोग प्रेरणा के लिए उनकी ओर देख रहे थे। उन दोनों भारत में जहां ब्रितानी हुकूमत थी, चीन में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस जैसी विदेश ताकतों का जोर था। साथ ही चीन में विभिन्न गुटों में लड़ाई के कारण गृह युद्ध जैसी स्थिति थी। महात्मा गांधी कभी चीन नहीं गए, लेकिन चीन और महात्मा गांधी विषय पर काम करने वाले साउथ चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर शोंग चुआनयू के मुताबिक चीन में महात्मा गांधी पर करीब 800 किताबें लिखी गई हैं। पूरे चीन में गांधी की एकमात्र मूर्ति राजधानी बीजिंग के चाओयांग पार्क में है, जहां सामने एक मानव निर्मित तालाब है और वो मार्केज इग्नेसी जान पेडरे विस्की और विस्टो बोटेव जैसी शख्सियतों से घिरे हैं। वो ने महात्मा गांधी के लेखों का अनुवाद किया है और वो सादा जीवन जीती है। जीवन में जहाँ की एक बड़ी संख्या मांसाहारी है, वो पेई शाकाहारी है। वो पुराने कपड़े पहनती हैं और एसी और वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं करती। गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए पिछले साल अगस्त में उन्होंने गांव में एक स्कूल खोला। वो गांधी के आदर्शों पर जीवन को जीती हैं, उनसे कई लोग प्रेरित होते हैं। एसपीएन न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।